ऐसी हो रानी। मेरा मतलब बहू रानी। अरे हम भी कितने अज्ञानी, पूछ रहे हैं कैसी हो। अरे प्रमोद जी तो अभी घर पर ही है, अच्छी ही होंगी। अरे रानी रुको, तो रोहन फाइनल जीते रहे बेटा, कैसा है? अजी सुनते हो, देखिए कौन आया है। अरे रोहन बेटा आ गए तुम, जीते रहो। सुनो पहुंचते ही फोन कर देना। अरे मामा बाहर से तो मैं आ रहा हूँ, आप कब आए? क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या मामा आप भी मेरे आते ही घर छोड़कर भागने लगे, सीधा कल्टी। जिस तरह तेरी पढ़ाई जरूरी है उस तरह मेरी नौकरी भी तो जरूरी है। अब तो आ ही गया है तो एक काम कर, मेरी बाइक से मुझे स्टेशन छोड़ा, रास्ते में बातें भी हो जाएंगी। मामा मैंने तो सुना था आप अपने ससुराल से मिली बाइक को किसी को छूने भी नहीं देते, आप मुझे चलाने देंगे? अरे किसी और में और तुझ में कुछ फर्क है कि नहीं? ये ले आज से बाइक तब तक तेरी हुई जब तक कि मैं लौट के नहीं आ जाता। नमस्ते मामी। नमस्ते। अरे अब चल जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी बहू। हाँ बाजी। ये सामान अंदर कमरे में रख देना, रोहन सफर से आया है ना तो उसके कपड़े गंदे हुए होंगे, तो धो लेना। हाँ जी बाजी। रोहन तुम्हारे कपड़े? हाँ हाँ पहन रहा हूँ। अरे नहीं नहीं तुम्हारे कपड़े लाई थी, सूख गए हैं। सूख गए? आपने मेरे कपड़े धो दिए? हाँ माजी ने बोला था कि तुम सफर से आए हो तो तुम्हारे कपड़े धो दिए, इसलिए मैंने धो दिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं अपने कपड़े खुद ही धो लेता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है रोहन, मैं तो रोज सबके कपड़े धोती हूँ, और दो चार तुम्हारे धो दिए तो क्या फर्क पड़ता है। ये लो, ये तुम्हारी जीन्स, ये तुम्हारी टी शर्ट, ये तुम्हारी बनियान और ये तुम्हारा अंडरवियर। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं किसी के अंडरवेयर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? वो अंगूठा बाहर आ जाता है। बुद्धू इतना भी क्या बिजी हो गए नौकरी पर जाकर, बीवी को एक फोन तक करने का टाइम नहीं। खैर मैं ही कर लेती हूँ। The number you have called is currently switched off. Z
किसी के अंडरवेयर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? वो अंगूठा बाहर आ जाता है। रोहन, रोहन ये कहाँ चला गया? लगता है इसे भी मामा की तरह मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, वहीं गया होगा। खैर, जब तक वो आता है मैं अपने काम निपटा लूंगी। मम्मी, क्या मम्मी मामी लगा रखा है? इतना कोई साबुन फर्श पे भी लग बिखरता है क्या? सॉरी मम्मी, वो गांव की आदत है ना। गांव की आदत छोड़ दो रोहन, अब तुम शहर में हो, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हो, थोड़े तो मॉडर्न बन जाओ। जी मामी, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मेरे बाथरूम के नल का पानी टप टप ऐसे टपक रहा है जैसे अभी तुम्हारे बदन से टपक रहा है। अब ऐसे टप टप से तो मैं नहीं नहा सकती ना, इसलिए सोचा यहाँ आ जाऊं। लेकिन रोहन तुम्हें कुछ इतराज है तो मैं चली जाती हूँ। अरे मामी, मतलब मुझे क्यों इतराज होगा? बेडरूम आपका है, बाथरूम आपका है, पूरा घर आपका है। और तुम? मैं भी आपका, मतलब भांजा। ये लो। ये क्या है? अगर तुम्हारे मामा यहाँ होते तो वो करते, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। अब सारे काम तुम ही करने पड़ेंगे। करोगे ना रोहन? क्यों नहीं। ठीक है, तो कॉलेज से आते वक्त ये बिजली का बिल भर देना, याद से। तुम्हें डर नहीं लगता फिजिकल से? क्या? अब मेरा मतलब है फिजिक्स से। तुम्हें पता है रोहन, मैं फिजिक्स में टॉप करती थी अपने कॉलेज में। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछना, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके मामी। क्या मामी मामी लगा रखा है? तुम मुझे आरती भी बोल सकते हो। ओके आरती मामी। आरती मामी नहीं, आरती बुद्धू कहीं के। आप तो ना घर बैठे बैठे दुनिया भर की खबर लेते रहते हो। ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे बस की नहीं है। ये बताओ बहू ने नाश्ता लगाया कि नहीं? अरे अपने रोहन के कॉलेज जाने का टाइम हो गया। आज मैं रसोई की तरफ गई नहीं। आओ मामी, नाश्ता तैयार है। मामी बोलोगे तो नाश्ता नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है आरती मामी। अब तो बिल्कुल नहीं। ओके आरती, नाश्ता तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और मैं अपने रोहन को अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगी। ठीक है? नहीं नहीं, मैं अपने आप खा लूंगा। नहीं ये लो खाओ। नहीं नहीं ठीक है, बस खा लूंगा मैं अपने आप। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप खा लूंगा। ऐसे कैसे? रोहन को सिर्फ उसकी आरती खिलाएंगे। नाश्ता तो तैयार है। हाँ पापा जी, नाश्ता लगते ही मैं आपको और मम्मी जी को बुलाने वाली थी। बैठिए। आप तो बड़े बोल रहे थे ना कि बहू ने अभी तक नाश्ता ही नहीं बनाया। हाँ देखो नाश्ता तो रेडी है, बैठिए नाश्ता कीजिए। हाँ पापा जी बैठिए। अरे रोहन बेटे, ये तुम्हारे गाल पर क्या लगा हुआ है? देखिए ना पापा जी,
रोहन इतने भूखे हैं कि मुंह की जगह गाल से ही खा रहे हैं। क्या करे आरती, क्या कहा आरती? मामी, वो मामी बोलने का मौका ही नहीं मिला। ओहो, बड़ा ख्याल करने वाली मामी मिली है रोहन। ख्याल तो मेरा रोहन को रखना पड़ेगा। रोहन, वो मैंने बिजली का बिल दिया था भरने का, वो भर देना यहाँ से, ठीक है? वो तो मैंने कब का भर दिया आरती। मामी, भर दिया बिना घर से बाहर गए? आजकल डिजिटल का जमाना है मामी, ऑनलाइन। ओ, मतलब आते ही धीरे धीरे मामी तुम्हें लाइन पर ले आई। धीरे धीरे नहीं पापा जी, मैं रोहन को जल्दी लाइन पर ले आऊंगी। बस, अरे बहू थोड़ा इधर भी। हाँ पापा जी, लीजिए ना। नमस्कार, नमस्कार। जय राम जी की। अरे बहू रानी, आप कहाँ जा रही हैं? ऑफिस से तो मिलने हम आए हैं। मेरे लिए? और मैंने तो नहीं बुलाया। पंडित जी को हमने बुलाया है। आइए पंडित जी, बैठिए। बहू, पता है पंडित जी को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं माँ जी। बहू, संतान उत्पत्ति बादाहरण हवन का मुहूर्त निकालने के लिए इस पंडित जी को बुलाया है हमने। क्यों माँ जी, हवन कराने से संतान उत्पत्ति हो जाएगी क्या? हरी इच्छा। पंडित जी, अगर सभी हरी इच्छा है तो हवन कराने की क्या जरूरत है? मती मारी गई है क्या बहू तेरी, क्या बोल रही है? क्यों माँ जी, प्रमोद जी की उत्पत्ति से पहले भी आप लोगों ने हवन करवाया था क्या? बहू, तुम हमेशा इसी तरह बदतमीजी पर उतर आती हो। पापा जी, मैंने कहा बदतमीजी की, मैं तो सिर्फ पूछ ही तो रही हूँ। खैर, आप मुहूर्त निकलवाइए, मैं गोल मार्केट जाकर आती हूँ। अरे अरे, सचमुच में ना इस लड़की की मति मारी गई है। क्रोध नहीं गीता जी, क्रोध नहीं। अरे उसका दर्द तो समझो, एक तो पति घर पर टाइम से नहीं रहता और बच्चा भी टाइम से नहीं हो रहा। सब हरी इच्छा, हरी इच्छा। पंडित जी, आप जल्द से जल्द कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए बस। ओह, कॉलेज आए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा और इसने गर्लफ्रेंड भी बना ली। अगर ऐसे दो चार दिन और गुजरे ना तो ये रोहन मेरे हाथों से निकल जाएगा। जैसे तैसे तन्हाई का एक सहारा मिला है, इसे मैं खोने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। जरा इधर तो आना।
रोहन के कमरे में? क्यों? यही तो देखने के लिए तुम्हें बुलाया। चलो चलो चलिए देखते। हाँ जैसे उस लड़की को लेकर गए थे गोलगप्पे खिलाने, मुझे क्यों नहीं ले जा सकते? गोलगप्पे? हाँ, देखा था मैंने दिन को। हाँ, पर मैं उसे उसके घर से नहीं लेकर गया था, और तुम्हें घर से क्या बोलकर लेकर जाऊंगा? वो तो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो तो मुझे बाहर लेकर जाओगे। रोहन प्रॉमिस। हाँ, कल कल जाने की कोशिश करूंगा। संभाल के ले जान, और वहां पहुंचते ही डॉक्टर को दिखा के बताना मुझे फोन करके कि क्या कहा डॉक्टर ने। हाँ जी ना, बहू संभल कर ना। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी बस करो और चिल्लाना बंद करो, हम घर से बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ तो ठीक है ना रोहन, तुम भी बाइक साइड में लगाओ। चलो चलो बाइक साइड में लगाओ। अरे बस हो गया अभी ड्रामा। मेरा प्यारा रोहन। अरे ये क्या कर रही हो? बीच चौराहे में कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे कोई देख लेगा। अच्छा कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी। अपने रोहन के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। अब चलें गोलगप्पे खाने। चलो चलो बैठो। ये तो हूबहू बहू रानी जैसी लग रही। ये कथा तो गीता बहन को सुनानी ही पड़ेगी, वो भी संपूर्ण अध्याय के साथ। जय राम जी की। वो माँ जी, डॉक्टर ने गोल गप्पे खाने के लिए कहा। अरे जरा हमें भी बताओ उस डॉक्टर का नाम और पता जो गोल गप्पे खिला के पेट का दर्द ठीक करता है। वो नानी नवजीवन मार्केट के नुक्कड़ का डॉक्टर, गोल गप्पे वाला। और क्या है ये?
ड्रेस, डॉक्टर की पेशेंट का ड्रेस। बोलो क्या है ये, मैं पूछती हूँ क्या है ये? माँ जी वो मुझे ठंड लग रही थी ना, इसलिए नीचे पहन ली मैंने। अच्छा तो घर में तुझे ठंड लग रही थी और बाहर बाइक पे जाते ही ठंड गायब हो गई, इसलिए उतार दिया। आने दो प्रमोद को, तुम्हारे एक एक गोल गप्पे और पेट दर्द का इलाज ना करवाए ना तो मेरा नाम भी गीता नहीं, समझी? रुको तो, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या अपनी मामी को गोल गप्पे खिलाने? वो नानू, मामी बार बार जिद कर रही थी इसलिए उनका दिल रखने के लिए मैंने उन्हें खिला दिया। अच्छा बार बार जिद कर रही थी इसलिए हम दोनों का दिल तोड़ा तूने? शर्म नहीं आई तुझे? नानू माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नानू प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा। एनिवर्सरी आती। आई लव यू रोहन।